बाली का, थाईलैंड का बगवा पहन रखा है, जब बगवा बजरंग दल के साथ थे हम, इसलिए जिस कास्ट चले जहाँ पे कपल्स है, हमारे को चेकिंग पे रुका है अभी, इसी गाड़ियाँ खड़ी नहीं गाड़ियाँ ये सब पीछे गए हुए पीछे, मतलब गाइस ठेके पे इतनी भयंकर भीड़ थी ना, हम भी ऐसे जाते थे शिशोरो गैंग की तरह, हमारे चौपाटी पे मिली बजरंग दल की गाड़ी, मिलेंगे आपको बहुत सारे कपल, देखो पारिवारिक माहौल है बहुत सारा, ये सो हे गाइस गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय अदर ब्लॉग, आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज है 14 फरवरी, मतलब आज है वैलेंटाइन डे, लोगों के प्यार मिलते हैं बिछड़ते हैं, बट हमारा तो कुछ सिस्टम ऐसा है, देखो अभी मैं हॉस्पिटल ड्यूटी से आया हूँ, मेरा एप्रिन भी यहाँ रख रखा है मैंने, मतलब आपको दिखाने के लिए रख रखा था कि हाँ भाई देखो मैं हॉस्पिटल ड्यूटी करके आया हूँ, उसके बाद मैं रॉबिन के आया था, रॉबिन देखो फुल पार्टी करने में लग रहा है, बिरयानी और कोल्ड ड्रिंक की पार्टी चल रही है, और क्या हमारी पार्टी में चिप्स, और ये देखो इसने अपना डिब्बा रख दिया भाई, उस दिन मैंने आपको चॉकलेट की अनबॉक्सिंग दिखाई थी ना, ये देखो इसको वैलेंटाइन डे गिफ्ट मिला फास्ट ट्रैक की वॉच, ये देखो, तो भाई वैलेंटाइन डे तो ये बना रहे हैं, बट हमारे लिए तो देखो ये पेस्ट्री है, और ये हमारा वैलेंटाइन डे कुछ ऐसा बन रहा है कोल्ड ड्रिंक के साथ। तो अभी हम आज क्या करने वाले हैं, कहाँ जाने वाले सब बताएंगे, तो अभी हम करते हैं पार्टी और फिर मिलते हैं जल्दी से। सो गाइस हमारे को जाना था घूमने के लिए पुष्कर, मतलब आपको एक चीज बताता हूँ कि हमारे को ना घूमने के लिए जाना था पुष्कर, और अभी हमारा प्लान पता है कहाँ बन रहा है, बैंकॉक बाली का, थाईलैंड का। अच्छा अब मेरे को बात सुन, हाँ तू कई बार गया, मेरी बात तो सुन, तू तेरे पासपोर्ट लगा था क्या? अरे तो सुन, इधर उसका प्लेन का टिकट कितने का था? प्लेन का टिकट कितने का था? प्लेन का टिकट, अरे कहना क्या चाहते हो? बिजनेस क्लास नहीं, अपने लोकल वाला क्लास, जिसमें एक एक ही उसमें तो ऐसे में 18,000 रुपए लग गए थे, आने जाने का बोल रहा है या एक टाइम का बोल रहा है? तेरा पूरा सब मिला के पूरा टोटल खर्चा कितने का हुआ? तेरा अकेले का? हाँ, तो गरीबों वाला बता, तू हमारे जितना कितना हो जाएगा? तू लड़की बनाई थी ट्रेन का लगा के, होटल का लगा के, और घूमने फिरने का लगा के पूरा 50 में हो जाएगा। जान पहचान बनी गई वहाँ पर, तेरी जान पहचान बनी गई वहाँ पर। शाबाश बेटा, और क्या नाम बताया? बताया अभी हमारा प्लान था, मैंने आपको कहा था ना कि हम शाम को ही जाने वाले, तो हमारा हमने सोचा था कि हम जाते हैं कि पुष्कर घूम के आते हैं, बट हमारा प्लान पता है काका बना थाईलैंड का, और इतने इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, फोन लगा के और बजट टूर भी कर लिया। सो गाइज अभी भाई साहब और मैं कुछ काम से आए, मतलब अभी हमें ना देखो खेतों में और जगह छापे मार रहे हैं और ढूंढ रहे कि कपल कहीं है तो नहीं, आज वैलेंटाइन डे के दिन, देखो भाई साहब भी मेरे साथ हैं, और अभी हम ऐसे कुछ काम से आए थे यहाँ पे, तो अभी वापस जाएंगे और मिलेंगे। भाई साहब कोई मिला है कपल अपल आज के दिन? नहीं कपल बोलते हैं मजदूर है यार, इनको पकड़ेगा? नहीं नहीं मजदूरों को नहीं पकड़ना, देखो हम लोग ही सिंगलों की तरह घूम रहे बस, बाकी यहाँ पे देखो कोई नहीं है, देखो बगवा पहन रखा है, जब बगवा बजरंग दल के साथ थे हम, इसलिए हम ऐसे घूम। देखो अभी मैं गेट देखने आया हूँ, हमारी जिंदगी देख सकते हो कि आज वैलेंटाइन डे के दिन हमारे को ऐसे गेट देखने पड़ रहे हैं, और यहाँ पे मैं गोदाम आया हूँ गेट देखने, और सामने देखो मेरे आर्चिस कास्ट चले जहाँ पे कपल सेलिब्रेट कर रहे होंगे वैलेंटाइन डे, और उसके सामने देखो गाइस मैं गेट, अभी दिन देखो हमारा, गेट खरीदने क्यों आया हूँ आपको बताऊंगा, बट अभी मैं गेट खरीदने आया हूँ, यहाँ के लिए गेट देखने गया था हमारी इस दुकान के लिए, आपको दिखाता हूँ कि कितना काम हो चुका है, अभी अभी ये सीढ़ी भी लगी है और इतना काम हो चुका है यहाँ पे देखो, और ये प्लास्टर कम्प्लीट हो चुका है, और इधर चल रहा है थोड़ा सा, हम इधर के लिए चाहिए था गेट। और अभी हम कहाँ जा रहे हैं? अभी हम जा रहे हैं कैफे, और शाम को क्या करेंगे वो भी आपको बताते हैं। तो अभी गाइस अभी हम आ चुके हैं कैफे पे, और देखो मैं बाहर खड़ा हूँ यहाँ पे, और गेट नहीं खुल रहा, और मैं बोल रहा हूँ भाई गेट खोल दो, ये मेरा ही, मुझे अंदर आने दो, और गेट खुलवाते हैं। और अभी हम लोग सब जा रहे हैं घूमने और देखने की भाई वैलेंटाइन डे कैसा होता है, देखो सब आ चुके हैं, देखो ये फोटोशूट चल रही है श्वेता प्रतिमा, यहाँ पे रॉबिन का फोटोशूट चल रहा है, और देखो सब तैयार वैयार हो गया है, देखो जगह देखो उसकी। तो अभी हम जा रहे हैं कहीं घूमने और आपको दिखाएंगे कि हम कहाँ जा रहे हैं और क्या करने वाले हैं, और आपसे मिलते हैं। देखो कोई हमारे चांद पे भी नहीं आया इस वैलेंटाइन डे पे, सिर्फ हम ही लोग थे, और अभी हम डोलने जा रहे हैं। देखो कपल को पकड़ने के लिए पुलिस खड़ी है चारों तरफ, डाइवर्जेंस लगा रखे हैं, जगह हमारे को चेकिंग पे रोका है अभी। तो फाइनली गाइस हम लोग निकल चुके हैं सबके सब वैलेंटाइन डे मनाने के लिए, इसको देखो, और पीछे रॉबिन दादा, और इधर है श्वेता का, भाई श्वेता दिखी नहीं रही है, ओरी 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 पीछे, और इधर सामने अभी हम हैं फ्लाईओवर पे, और देखो सामने स्काई गिल में चल रही है पार्टी, तो स्काई गिल में पार्टी चल रही है,
और आज वैलेंटाइन डे पार्टी शायद यहाँ पे भी, और अभी हम देखो फ्लाईओवर पे, हम फ्लाईओवर में पुलिस की चेकिंग भी बहुत ज्यादा है। मतलब अभी हमने जहाँ चौराहे देखे ना, वहाँ पे पुलिस वाले खड़े थे हर चौराहे पे। तो भाई आज पुलिस की चेकिंग ज्यादा है, इसलिए देखो मैंने भी सीट बेल्ट लगा रखा है अच्छे बच्चों की तरह। और देखो फ्लाईओवर का क्या नज़ारा है यार, हालांकि कहाँ से हमारा थोड़ा साफ नहीं है। यहाँ पे हमारे कोई भी कपल नहीं दिख रहे, यहाँ पे सिर्फ सूना और सुनसान पड़ा है। इनकी गाड़ियाँ खड़ी नहीं, गाड़ियाँ ये सब पीछे गए हुए हैं, पीछे यहाँ पीछे गोपचे में ये सारे। और अभी हम चलते हैं आगे। अब गाइस हम भी ऐसे जाते थे छिछोरा गैंग की तरह, गैंग वैलेंटाइन डे पे छिछोरा गैंग जा रही है और कपलों को छेड़ते हुए ऐसे ही छेड़ते जा रहे हैं हमारी तरह। वो हमारे को देख रहे हैं भाई, ये आगे जाके दो तीन कपलों को छेड़ते हुए आ रहे हैं, उनके ऊपर मैं कब से देख रहा हूँ मैं। और गाइस आज भीड़ बहुत है यार इधर वैशाली में, तो आज वैलेंटाइन डे बना रहे भाई सब, भीड़ है आज वैशाली के अंदर। मसाला चौक देखो गाइस, मसाला चौक का नजारा अंदर काफी, अरे यार भीड़ है मसाला चौक पे भी। हाँ मसाला चौक में बहुत सारी चौक है, मैं गया था एक बार यार यहाँ पे, बट मैंने क्या खाया था मुझे याद नहीं, और पता नहीं कितने साथ गया था। हाँ बहुत सारी है, वो सीट बेल्ट लगा लो भाई, पुलिस वाले आ गए। सो गाइस ये है सेवन वंडर्स, और यहाँ तो मोस्टली फैमिलीज आती हैं यार, मतलब शादीशुदा लेके आएंगे यहाँ पे अपनी बीबियों को, बाकी गर्लफ्रेंड्स को तो लोग आगे लेके गए होंगे न्यू चौपाटी पे। भीड़ देखो खाई ठेके पे भी बहुत भयंकर भीड़ है, मतलब गाइस ठेके पे इतनी भयंकर भीड़ थी ना कि हाँ आज ऐसा लग रहा है कि वैलेंटाइन डे से ज्यादा ब्रेकअप डे है। इतनी भयंकर भीड़ ठेके के ऊपर स्लो, और यहाँ आपको दिखाएंगे यहाँ पे होगा कपलों का अड्डा। राज तेरी आवाज उनके भी डर जाएंगे, वो शक्ल देखो पुलिस वाला लग रहा है, ये तो बैठा हुआ अंदर बोला ओए क्या कर रहे हो, देखो ये सामने से आए, हमारी चौपाटी होगी खत्म। बजरंग दल की गाड़ी दिख गई गाइस, बजरंग दल की गाड़ी, इसलिए आप क्योंकि यहाँ पे बजरंग दल वालों की गाड़ी खड़ी है, इसलिए यहाँ पे चौपाटी पे ज्यादा भीड़ आपको देखने को नहीं मिलेगी। गाइस देखो वैलेंटाइन डे पे गाड़ी खड़ी है, एयरबैग खुले हुए आगे से ठुकी हुई के है। सनसेट पॉइंट जहाँ पे देखने को मिलेंगे आपको बहुत सारे कपल्स, और देखो रास्ता कितना प्यारा है यहाँ का, और हमारे सामने चल रहे हैं एक फॉरेनर। सनसेट पॉइंट, और ये देखो भाई अजमेर ब्यूटी, मतलब ये अजमेर ब्यूटी हो कला करती हूँ मैं। अब भैया हमारी वो गाइस देखो आप कितनी भयंकर भीड़ है, यहीं लगा देता हूँ मैं तो। अभी हम आ चुके हैं देखो सनसेट पॉइंट, और ये देखो कुछ माहौल यहाँ का, सब योगा कर रहे हैं यहाँ पे, और ये सारे फॉरेनर्स बैठे हैं यहाँ पे। सही योगा, हाँ तो भाई सही योगा है इसमें फॉरेनर। सो गाइस अभी हम हमारी गाड़ी पार्क करके और थोड़ा वॉक करने जा रहे हैं, मतलब वॉक करके जा रहे हैं, और क्योंकि आगे जाने के मतलब भीड़ है थोड़ी, तो गाड़ी ले जाने की जगह नहीं आगे तक, इस चक्कर में हम वॉक करके जा रहे हैं, क्योंकि पुष्कर में सारी पतली पतली गलियाँ हैं और ज़्यादा ऐसे ही नज़ारे हैं। तो आप देख सकते हो कि पीछे भी कपल्स ही कपल्स हैं, बट ये है ना अपना टाइम लेट हो गया, पता है जितने वो निब्बा निब्बी वाले कपल्स थे ना, वो अपनी एक्स्ट्रा क्लास का बहाना करके आए थे, वो घर पहुंच गए, और अब जो है ना वो सारे मैच्योर कपल आ रहे हैं, मतलब वो नहीं देखने को मिल रहा, जो माहौल देखने को मिलता है ना झाड़ियों के पीछे और वो वाला, वो सब घर पहुंच चुके, अपने घर पे प्रेजेंट दे चुके, क्योंकि हम थोड़ा लेट निकले, और ये लोग लेट आए, ये लेट आए, मैं तो घर पे सो रहा था, बाकी ये लोग लेट आए। भाई लेट क्यों हो गए थे? पार्लर जाने के बाद भी यही हाल है क्या? वो पार्लर जाने के बाद भी यही हाल है भाई, बेइज्जती थोड़ी ना, ये बेइज्जती नहीं होती है, ये कट नहीं होगा, इसी बेइज्जती थोड़ी ना है। अपने पीछे आप देख सकते हो पुष्कर का मार्केट है, मतलब ये पूरा मार्केट नहीं है, ये तो डॉली है, उसके पीछे पूरा पुष्कर का मार्केट है, तो ये है ऐसा कुछ मार्केट। और अभी हम जा रहे हैं वॉक करते करते, कितनी अच्छी हवा है यहाँ पे, हमारी नजर पड़ी है और जस्ट हमारे सामने जा रहे हैं, देख लिया आपने गाइस, बहुत पारिवारिक माहौल है यहाँ पे, मतलब आप जरूर आओ पुष्कर देखने के लिए, बहुत पारिवारिक माहौल देखने को मिलेगा आपको पुष्कर के अंदर, और वैलेंटाइन डे पे तो बहुत ही ज्यादा पारिवारिक माहौल है यहाँ पे गाइस। यहाँ पे भी देखो पारिवारिक माहौल है बहुत सारा, और यहाँ सारे आपको फॉरेनर देखे, ये देखो कितनी प्यारी एंट्रेंस है यहाँ पे, देखो कितनी। तो गाइस आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, मतलब कि ना रॉबिन इधर उधर बैठ के ताड़ रहा है, और हाँ भाई क्या दिखा फिर? तो रॉबिन को है ना, देखो हमारे जस्ट पास के अंदर ना दो फॉरेनर्स बैठे हैं और बोल रहे हैं कि वहाँ जाके बैठे, तो उनको ताड़ रहा है रॉबिन कब से बैठ गया है ना भाई, क्यों कोई पसंद आया क्या? और देखो हमारे सामने देखो कैंडल जल रही, कितना प्यारा माहौल है, और उसको भी जा चुका है हमारा पिज़्ज़ा, और ये देखो पिज़्ज़ा कितना बड़ा है, तो यहाँ पर हमारा पिज़्ज़ा आ चुका है,
और रॉबिन है ना सामने वाली लड़की है ना उसके साथ टाके बढ़ाने में लगा हुआ है इतनी देर से और पिज्जा कितना चीजी है, उठाओ देखो गाइस, ये पिज्जा देखो कितना चीजी है। इस पार्टी ओवर और इसका जाने का मन नहीं कर रहा, क्या हो गया भाई, जा क्यों नहीं रहा? कुछ नहीं आएगा भाई, हमारी तो पार्टी ओवर हो गई है और ये इसलिए नहीं जा रहा। देखो और ये देखो एरिया से निकल चुके हैं, पिज्जा वीजा खा खू के, मतलब अगर आप कार से आते हो ना तो आपको सनसेट पॉइंट पे कार खड़ी कर देना, उसके बाद ज़्यादा दूर नहीं है, वॉकिंग डिस्टेंस करके आप आ जाओगे, पुष्कर का मार्केट भी घूम लोगे और इतना बड़ा पिज्जा के मज़े भी ले लोगे, मतलब दो जने तो नहीं खा सकते भाई, चार जने होने चाहिए कम से कम उस पिज्जा के लिए। तो भाई कैसा लगा था पिज्जा? पिज्जा गाइस सच्ची में बहुत अच्छा था, आप आओ तो जरूर ट्राई करना यहाँ पे। और अभी हम चलते हैं सनसेट पॉइंट की तरफ और देखते हैं वहाँ पे क्या माहौल है। यहाँ पे देखो आपको देखने को मिलेगी फ्रेंच बेकरी और यहाँ का कुक भी जो है वो फॉरेनर ही, फ्रेंच ही। देखो ये कुक है यहाँ का। तो गाइस आप देख सकते हो कि अजमेर यहाँ से कितना प्यारा नजर आ रहा है, देखो कितना प्यारा लग रहा है यहाँ माहौल। तो यहाँ पे है देखो CSM मॉल के अंदर और यहाँ पे देखो एंट्रेंस। वाह वाह। इस आज का दिन भी हमारे को नहीं भूलना चाहिए, आज देखो पुलवामा के वीरों के लिए जो हुआ था 14 को, उनको नमन करते हैं हम यहाँ पे। देखो यहाँ पे है आपको देखने को मिलेगा कपल्स का माहौल पूरा, और आप देखो सामने एक सेल्फी पॉइंट बना रखा है कपल्स के लिए जो लोग इसको लेके दिल के साथ फोटो। तो गाइज हमारे को अब लगभग बज चुकी है 10 और हमारा वैलेंटाइन डे होने वाला है खत्म, मतलब कुछ ऐसा रहा हमारा वैलेंटाइन डे, हम लोगों ने बहुत इंजॉय किया। मतलब जरूरी नहीं है कि आपकी गर्लफ्रेंड हो, अभी संदेश फैलाना चाहते हैं आप फैमिली के साथ, दोस्तों के साथ, भाई बहनों के साथ भी वैलेंटाइन डे सेलिब्रेट कर सकते हो जैसे कि हम लोगों ने किया। तो इसलिए आज इस वैलेंटाइन डे के ब्लॉग को हम यहीं खत्म करते हैं, होपफुली आप लोगों को भी मजा आया होगा हमारे साथ, हमने मतलब बहुत मस्ती करी, बहुत घूमे, दिन भर आपने देख लिया हमारा कैसा निकला और देख लो सब थक चुके हैं और अभी सब थक चुका के बैठे हैं, अभी हम जा रहे हैं घर। तो होपफुली अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। हम मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, जब तक के लिए टाटा बाय बाय।